हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा जो न्यू चैप्टर था शुरू किया था यूनिट एंड डाइमेंशंस, उसमें मैंने हमारा यूनिट कंप्लीट कर दिया था। डाइमेंशंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे, अब हम करने वाले हैं डाइमेंशंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि डाइमेंशंस आएंगे तो ही आपको उसका मैथमेटिकल टर्म कंप्लीट आएगा। तो अगर आपने हमारी डाइमेंशंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले भाग के जाइए और उस वीडियो को देखिए, समझिए, एक एक डायमेंशन को करके देखिए, देन उसके बाद ही आप इस वीडियो को करिएगा। चलिए, उससे पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, घर में जब दो कजन्स होते हैं, मान लीजिए कि दो कोई बहन भाई हैं और मम्मी लेके आई हैं चॉकलेट, क्या बोल रही हूं मैं कि मम्मी लेके आई हैं कोई चॉकलेट, और घर में हैं दो बच्चे, तो किस तरह से क्या किया जाता है? चॉकलेट एक है, बच्चे दो हैं, तो मम्मी क्या करती हैं? मम्मी उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। ऐसा ही होता है, सबके ऐसे ही होता है, ऐसे तो नहीं है किसी एक को हाफ दी जाती है और एक को कुछ ज्यादा दी जाती है, सहन ही नहीं होता बच्चों को। तो जब हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है बराबर का हिस्सा होना चाहिए दोनों साइड, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, दोनों को बिल्कुल बराबर का हिस्सा चाहिए, तो ये तो हर जगह अप्लाई होगा, ये तो कंपल्सरी है। बस ऐसा ही कुछ आज हम करने वाले हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का दो बराबर का हिस्सा होना चाहिए, और उसको फिर मेजर भी करने लग जाते हैं। आपने बच्चों को बहुत बार देखा होगा, मम्मी ने एक चीज के दो हिस्से कर दिए, बच्चे एक दूसरे के उसको लगा के देखते हैं, हाँ सेम है ना, इक्वल है ना, इक्वल में डिवाइड किया है ना, ऐसा तो नहीं है उसको ज्यादा मिल गया या उसको ज्यादा मिल गया। ऐसा ही होता है, और ऐसा ही कुछ होता है हमारा फिजिक्स में। अब आप कहेंगे फिजिक्स में चॉकलेट कहाँ से आई? तो बच्चों, चॉकलेट फिजिक्स में नहीं है, एक्चुअल में जो चॉकलेट होगी वो साइंटिस्ट के लिए वो होगी उनका फॉर्मूला। जो साइंटिस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसा ही कुछ एवरीडे लाइफ में हमारे लिए कोई भी खाने की चीज, यानी कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो भी कोई फॉर्मूला होता है हमें क्या होता है, हमारे लिए तो सिंपली हमें वो मिल जाता है, हमें बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ मिला है, हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है या कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम उस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। बट वो फॉर्मूला आया कहाँ से और किस तरह से उसको बुक में पहले लिखा गया होगा, ये बात हम लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है जब कोई फॉर्मूला बनता है, जब कोई साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करता है, कोई नया फॉर्मूला बनाता है, तो उसकी करेक्शन की जाती है, उसकी करेक्शन बहुत बहुत तरह से की जाती है। रोबोट मूवी देखी है ना, रोबोट मूवी में उसको जो हमारा रोबोट होता था, क्या नाम था उसका, चिट्टी, उसको हम लोग जब आर्मी में लेने से पहले उसका टेस्ट होता है ना कि वो टेस्ट में पास होगा तो ही उसको लेंगे, सेम ऐसा ही किसी भी फॉर्मूले को बुक में लिखने से पहले या फिर साइंटिस्ट को हाँ बोलने से पहले उसका करेक्शन किया जाता है। करेक्शन कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि दोनों साइड चेक करते हैं क्या ये इक्वल है, क्या दोनों लोगों में ये बांटा गया है वो इक्वल बांटा गया है, तो यही करेक्शन आज हम हमारी फिजिक्स में करने वाले हैं। आज हम साइंटिस्ट के सभी फॉर्मूलों को चेक करने वाले हैं, क्या उन्होंने जो फॉर्मूले बनाए हैं सही बनाए हैं। वैसे तो हमारी हिम्मत बनती नहीं है, ना हमें हक है उनके फॉर्मूले पे ऐसा कुछ करने का, लेकिन भाई क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको भी करना है ये, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो करना क्या है इसमें, क्यों करना है वो देखिए। होता क्या है, कोई भी फॉर्मूला होगा पूरे फिजिक्स में, आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया एफ इजिकल टू एम ए। आपने कभी ये सोचा ये कैसे आया होगा? कुछ तो एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, कुछ तो इसके ऊपर काम किया गया होगा, ठीक है, काम करने के बाद हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला आ गया। फिर इसका किया जाता है करेक्शन, चेक किया जाता है इसकी करेक्टनेस कि क्या ये क्वेश्चन हमारा सही है, ये इक्वेशन हमारी सही है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड को क्या मान लेते हैं, हमारी इस साइड को मान लेते हैं LHS और इस साइड को मान लेते हैं RHS, और हम लोग इसको प्रूफ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइमेंशंस,
यानी कि डायमेंशंस का ही चैप्टर है और डायमेंशंस की ही हेल्प से आपको इसको क्या प्रूव करना है कि ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। काफी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो आपके करेक्ट होंगे, मोस्टली फिजिक्स में करेक्ट ही होती हैं मोस्टली, और ज्यादातर जो होंगी बहुत कम ऐसी होंगी जो करेक्ट नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपको दोनों साइड के क्या लिखने हैं, डायमेंशन। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं LHS में ले लूं, तो LHS में हमारे पास क्या है, सबसे पहले फोर्स है। तो फोर्स का बच्चों डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, जिन बच्चों को डायमेंशन नहीं आते कृपया इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपसे नहीं होगा बेटा। डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरी फिजिक्स के लिए डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिक्वेस्ट मानो, सजेशन मानो, जो आपका मन करे वो आप अज्यूम कर लो, बट प्लीज पहले डायमेंशन सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होता है, M1L1T-2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा LHS साइड। अब हम देखेंगे हमारा RHS साइड। RHS में मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है M, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है हमारा LT-2। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे ये बन जाएगा हमारा M1L1T-2। जरा इन दोनों को देखना, जरा इन दोनों को कंपेयर करना, जो मैंने F=ma किया है आपके सामने है, बिल्कुल आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, क्या ये अलग है। कह सकते हो ना आपके F=ma जो है वो बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन जो बनाई हुई है F=ma ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों साइड से ही क्या है, इक्वल मानी जाती है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ मैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे फोकस करने हैं वो ये कि मान लीजिए यहाँ पे तो हमारा क्या लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है, लेकिन कभी भी अगर ऐसा हो जाता है, कोई इक्वेशन आपकी ऐसी आ जाती है जिसमें आपका दूसरे साइड प्लस या माइनस दिया हुआ हो, जैसे कि कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है S=UT+ 1/2 AT2, तो आपको अलग अलग, वैसे मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी, लेकिन आप एक बात याद रख लीजिएगा, डायमेंशंस जो होते हैं ना किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस, ना तो आप उसको प्लस कर सकते हैं ना ही आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ना तो आप उसको प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं। डायमेंशन कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट और एडेड टू ईच अदर, दे ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमारा कुछ फॉर्म रहेगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि हमें डायमेंशंस निकालना क्यों जरूरी रहता है, डायमेंशंस चेक करना क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली ये बताता है कि दोनों तरफ का जो डायमेंशन है सेम है या नहीं, हमारा फॉर्मूला सेम है या नहीं। जैसे कि एक तराजू होता है ना, जब तराजू दोनों तरफ से बराबर होता है तभी माना जाता है कि अब हाँ मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल है। अगर एक जरा सा नीचे हो गया, एक जरा सा ऊपर हो गया, तो गड़बड़ हो सकती है। तो हमें यहाँ पे बस एक छोटी सी बात का ध्यान देना है कि दोनों साइड कोई भी फॉर्मूला हो, आपको दोनों के दोनों साइड अपना क्या देखना है कि जो हमारा डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग मतलब सेम होना चाहिए। आप फिर लास्ट में आप लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, LHS=RHS, सो द फॉर्मूला F=ma इज ए करेक्ट फॉर्मूला, या फिर दिस इज ए करेक्ट इक्वेशन। जो आपका मन करे वो आप इसको लिख सकते हैं, बट हाँ ध्यान रखिएगा बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको मेजर करना है। समझ में आया आज का टॉपिक, क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, ये चीज आपके समझ में आई, आई होप आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। चलिए तो फिर अब शुरू करते हैं। अब भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, वो अब समझ में आ जाएगा जब हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जहां पे भी आपको ये वर्ड दिखे होमो, इसका सेम मतलब होता है बेटा। मतलब क्या होता है, सेम मतलब होता है, मतलब ही सेम होता है। होमो का मतलब होता है सेम, यानी जिसके डायमेंशन सेम होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कहने का मतलब हमारे पास
जो भी इक्वेशन होगी, जो भी फॉर्मूला होगा, उसको हमें क्या करना है, डायमेंशनली करेक्ट करना है या फिर दिखाना है कि वो डायमेंशनली क्या है, सेम, क्योंकि तभी तो वो सेम होगा ना, तभी तो उसका नाम होमोजेनिटी होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई, जस्ट उस प्रोसेस का क्या करना है, यूज करना है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो देख लीजिए। डेफिनेशन हमें क्या बताती है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ The all the term of both sides, दोनों साइड जो हमारी टर्म होगी ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। मस्ट मतलब मस्ट लग गया ना यहाँ पे, मतलब कंपल्सरी है, कोई भी इक्वेशन दे दी जाए आपको, आपको दोनों ही इक्वेशन में जो आपकी वैल्यूज होंगी, मतलब जो डायमेंशंस होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसके LHS और RHS दोनों ही साइड में कंपलसरी आपको डायमेंशन सेम ही दिखाना है। यानी अगर सेम आता है तो वो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन से करना, सिखाऊंगी एग्जाम में, देखिए पक्का कंप्लीटली आएगा ये क्वेश्चन, पक्का आएगा, और 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगी कैसे आपको एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना है, एक एक बात बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं हम लोग। तो आइए चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको चेक करना, क्या वो हमारा होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को फॉलो करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अपनी नोटबुक पेन फटाफट से ले लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा और बाद में एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सोल्व करना। देखिए जब भी आपको कभी ऐसे कोई इक्वेशन सोल्व करने के लिए बोली जाए तो आपको डायरेक्ट उसका डायमेंशन सोल्व करना शुरू नहीं करना है। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हेयर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, u इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, t इज इक्वल टू टाइम टेकन। पता होना चाहिए एग्जामिनर को कि आपको पता है, आपने प्रैक्टिस की है। a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, देन उसके बाद t आप लिख चुके हैं तो बार बार आपको t को लिखने की जरूरत नहीं है, t आपका टाइम है, आपको बार बार किसी भी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक टर्म आपकी बार बार यूज हो रही है, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 बार यूज हो रही है, तो आपको एक बार ही उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, देन उसके बाद आप लिखोगे टेकिंग, टेकिंग एल एच एस ऑफ दिस इक्वेशन, taking LHS of this equation. Now find out dimensional formula for, dimensional formula for S, यानी कि displacement. तो dimensional formula for, dimensional formula of S is equal to, तो अब मुझे एक बात बताइए, जो हमारी डिस्टेंस होती है उसका डायमेंशन क्या होता है, सारे बच्चों को पता है, बताओ मुझे, उसका डायमेंशन होता है हमारा L। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को, अब मैं इसका हाफ पार्ट यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगी, तो ये एल एच एस साइड हमारी क्या हो चुकी है, सोल्व। नाउ टेकिंग आर एच एस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हमने आर एच एस ले ली। अब हम आर एच एस में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यू यानी कि स्पीड, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होती है हमारी एल, टाइम क्या होता है टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन होगा या नहीं, क्योंकि इसका जो टी है वो आपका नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव,
अब किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला फोर, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर। अब नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी क्या है? टाइम टी। टाइम के लिए निकालोगे तो टाइम का तो सिंपल सा होता है, टी ही होता है, तो इसका तो टी ही होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी, एक टाइम है और एक एक्सेलरेशन है। टाइम आपका आप निकाल चुके हो, बार बार नहीं लिखोगे, आपको एक्सेलरेशन का निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला फोर, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर ए, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है मैं बता देती हूँ, एल टी माइनस टू, और टाइम का क्या हो जाएगा टी। यही होगा या नहीं होगा? सॉरी, ये एक्सेलरेशन का आ चुका है, एल टी माइनस टू। अब आपको क्या करना है, देखिए LHS में तो हमारा एक साइड S था ही, लेकिन RHS में हमारे पास दो है, बीच में प्लस का साइन है, और दो बार हमारी क्या दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना है, इस वाले का एक साथ, UT का एक साथ और AT का एक साथ। तो कैसे करोगे, देखो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे होगा। अब देखिए S का तो हमने निकाला, क्या था हमारा S के लिए, हमारी जो निकल के आई थी वो थी हमारी L। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। U का जब आपने निकाला तो U का आपने निकाला था L T माइनस वन, तो ये आपके आ गया L T माइनस वन। और टाइम के लिए आप क्या निकालेंगे, टाइम के लिए निकालेंगे आप T। बीच में आप साइन लगाएंगे, जो आपके फॉर्मूले में, जो आपके इक्वेशन में है वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। एक्सेलरेशन आपका क्या आया है, एक्सेलरेशन आया है आपका ये एल टी माइनस टू, है ना, हुआ ना। और यहाँ पे जो आपका टाइम है, टाइम के लिए आप क्या लिखेंगे, टाइम का स्क्वायर है, तो हो जाएगा एल की पावर टू। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए मैंने किया क्या है। LHS और RHS में दोनों साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मैंने जस्ट उनको पुट कर दिया है फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस का डायमेंशन हमारा कैपिटल L होता है, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। U की जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है L T माइनस वन, तो मैंने उसको यहाँ पुट कर दिया। इसके मल्टीप्लीकेशन में टाइम था, तो टाइम का डायमेंशन T होता है, तो मैंने वो रख दिया। अब आप कहेंगे मैम प्लस के बाद हाफ था, तो बेटा मैं आपको अब दोबारा से एक चीज बता दूं, हाफ पाई कोई भी डिजिट, डिजिट का मतलब वन टू थ्री, कोई भी डिजिट आपको दे दे या पाई की वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, दीज आर दी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, दे नोट हैव एनी डायमेंशंस, ठीक है। तो आप कहेंगे दिस वन बाय टू इज अ कॉन्स्टेंट, सो इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये आपको नोट डाउन करके आना है एग्जाम में, और अभी नोट्स में भी कर लेना, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को लगना चाहिए ना, बच्चे को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, या कोई भी तरह का कांस्टेंट हो गया, या कोई डिजिट हो गया, कोई भी ऐसी क्वांटिटी आपकी जिस जो क्या है कांस्टेंट है, तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो आप उस पर लिखोगे दीज आर दी कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इट इज ए डायमेंशनल लेस। तो ये चीजें आप लिखोगे, देन उसके बाद मैंने हाफ का देखो कोई भी डायमेंशन नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना ये एक डिजिट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमने अभी अभी निकाला है, क्या है एल टी माइनस टू। देन उसके बाद टाइम का क्या होता है टी, लेकिन यहाँ पे क्या है टी का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया टी का स्क्वायर। अब जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हम डायमेंशन क्यों निकालते हैं, ताकि किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी इक्वेशन में जब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के मास को एक साथ लिख देते हैं, लेंथ को एक साथ लिख देते हैं, और टाइम को एक साथ लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे वही करना है, देखिए इसके साथ तो कुछ भी नहीं है LHS में, तो इसको तो सिंपली हम क्या लिख देंगे लेंथ। अब आते हैं हम हमारी इस साइड, जब हम हमारी इस साइड आते हैं तो इसमें लेंथ तो वन ही है, लेकिन आप देखते हैं टाइम टी माइनस वन और टी की पावर वन। तो जब आप माइनस वन, वन को माइनस वन में से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ L। फिर हमारा अगेन प्लस का साइन आ जाता है, जब आप यहाँ पे फोकस करोगे यहाँ पे भी हमारा सेम सिस्टम है, यहाँ आपका क्या है कैपिटल L, यहाँ पे L नहीं है तो L अकेला है,
यहाँ पे टी माइनस टू, यहाँ पे पॉजिटिव का टू, तो माइनस का टू और पॉजिटिव का टू कैंसिल आउट, क्या बचेगा बताओ, एल बचेगा। और मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था जब मैंने एफ इजिकल टू एम ए किया कि बेटा ना तो डायमेंशन को आप प्लस कर सकते हो ना आप उसको माइनस कर सकते हो, लेकिन आप उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो। तो मुझे बताओ एल 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 तो हुआ ना, दोनों साइड एल एल ही हुआ ना, टी और एम नहीं आया ना, दैट्स व्हेन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं द इक्वेशन, लास्ट में आप नोट डाउन कर लेंगे, अपनी नोटबुक और पेन का यूज करोगे और आप लिखोगे इस चीज को, इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इज डायमेंशनली करेक्ट एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये आपकी फॉलो करती है हमारे प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो आगे आपको ये सॉल्व करना, यही तरीका होगा आपका आपके एग्जाम में इसको नोट डाउन करने का, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम। आपको अपना अगर अटेम्प्टेशन बहुत अच्छा गजब का करना है, चाहते हो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे, तो डिट्टो आपको ऐसे ही क्या करके आना है, अपना क्वेश्चन करके आना है, कुछ नहीं करना। सिंपली सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे अपनी जो भी इक्वेशन होगी उसके बारे में, इंट्रोडक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उन सबका आप नाम दोगे, देन उसके बाद आप लोगे LHS, LHS में जो भी क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन निकाल दोगे, देन उसके बाद आप लोगे उसका RHS, RHS में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उन सबका अलग अलग आप क्या निकाल लोगे, सबका अलग अलग, पहले ही बता रही हूँ, सबका अलग अलग पहले क्या निकाल लो, डायमेंशन निकाल लो, देन उसके बाद इक्वेशन को दोबारा से लिखो और जिस जिसका जो जो डायमेंशन है उसको उसके नीचे लिख लो। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो आप उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका प्लस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो दोनों साइड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ ही आई है उसका डायमेंशन, तो ये हमारा डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये चीज आपके समझ में आई, लास्ट में कभी भी किसी चीज को खाली नहीं छोड़ना होता, इसमें लिख देना दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे प्रिंसिपल का। अब हम करने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाने और आपको ये सब आना चाहिए। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। जिन बच्चों को ये आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, वो बच्चे है ना अभी वीडियो को पॉज करो और फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से इस वाली इक्वेशन को एक बार ट्राई करके देखो क्या आपसे ये इक्वेशन होती है, एक बार करके देखो, क्या पता आपसे हो जाए, होनी तो चाहिए, तो होनी तो चाहिए ना, तो एक बार करके देखो क्या पता आपसे ये हो जाए, क्योंकि जब खुद से करते हैं ना तो बहुत मतलब अलग ही तरह का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो कॉमन सी बात है मन अपने आप कर जाता है ना करने का। तो चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसके बारे में, कि हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हमें क्या बताना चाहती है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसको चेक करना, क्या ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब आपको बता दूं ये टाइम पीरियड किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, चलिए बाद में बताऊंगी, पहले लेंथ लिखिए। लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी लेंथ L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब पता लगा हमारा टाइम पीरियड किसका है, ये टाइम पीरियड हमारा पेंडुलम के बारे में है। G होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास कोई L लेंथ का क्या है पेंडुलम है, ग्रेविटी उस पर काम कर रही है, तो पूछा गया है कि एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में टाइम पीरियड कितना होता है। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और डायमेंशनली करेक्ट करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आपको सबसे पहले लेना है LHS, उसके बाद लेना है आपको RHS, दोनों साइड को आपको सोल्व करना है।
तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले टेकिंग, टेकिंग एल एच एस ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप इसकी एल एच एस को लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? सबसे पहले हम लेंगे टाइम पीरियड, तो डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो भाई टाइम पीरियड का तो टी ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये चीज तो आपको अब तक आ गई होगी। नाउ टेकिंग, नाउ टेकिंग आर एच एस, आर एच एस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम इसमें ले लेंगे यहाँ पे हमारा आर एच एस। तो आर एच एस में आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी है, 2π√L/g। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी डिजिट या फिर कोई भी आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी आप उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, ये गलत होता है। क्योंकि ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज होती है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज, ठीक है। इन क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज दीज आर दी कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज। तो ये चीज आपको नोट करनी है, और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नोट नहीं करा रही, ऐसे ही नहीं बता रही, यहाँ पे लिखना है आपको इन आर एच एस दिस क्वांटिटी 2π इज अ कॉन्स्टेंट, सो इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, सो वी आर नेगलेक्ट दिस, ठीक है, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? लेंथ के बारे में। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ। तो बताओ मुझे लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वो तो कैपिटल एल होता है, हमें पता है सबको, क्या होता है हमारा एल। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसकी तो कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, पता नहीं क्या होता है। तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल में आपका एक्सेलरेशन ही होता है, पता कैसे लगेगा वो देखिए। जब कोई चीज नॉर्मली लाइन में मूव करती है, जैसे हम लोग कार चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, हम लोग बाइसाइकिल चलाते हैं ना, हम लोग तो रोड पे चलाते हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ नीचे खींचने की कोशिश करती है। तो ये जो जी है ना, ये एक्चुअल में आपका ए ही होता है। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो लीनियर मोशन में होता है, और जी आपका जब कोई चीज ऊपर या नीचे जाती है तो काम करता है। तो पेंडुलम देखिए, जब पेंडुलम मूव करता है ऐसे और ऐसे, तो वो ऊपर नीचे जाता है ना, इसीलिए इसको हमने जी लिया है। तो इसका एक्सेलरेशन का, हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो एक्चुअल में एक्सेलरेशन का होता है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है बताओ मुझे? एक्सेलरेशन का होता है हमारा एल टी माइनस टू। अब मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है बताओ, बताओ मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, मैंने आपको कुछ सिखाया हुआ है इसमें? अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट से कर दोगे। भाई सिंपल सी बात है, अब आपको इस फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है, और इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो 2π तो हमें लेना नहीं है क्योंकि डायमेंशन होता नहीं है। टाइम का हमारा क्या होता है? डायमेंशन टी। जब आप रूट में एल का निकालोगे तो ये एल हो जाएगा, और जब जी का निकालोगे तो हो जाएगा एल टी माइनस टू। एल से एल आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो रूट में आपका 1 by क्या हो जाएगा? टी माइनस टू। अब ये नीचे टी माइनस टू है तो क्या मैं इसको ऊपर नहीं लेके आ सकती? बिल्कुल ला सकती हूँ। जब मैं इसको ऊपर लाऊंगी तो ये हो जाएगा टी की पावर टू। और आपको अगर नहीं पता तो बता दूं, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो टू की, टी की पावर टू और इसकी पावर 1/2, टू से टू कैंसिल, और आपके पास जो डायमेंशन बचेगा वो हो जाएगा टी। दैट्स मीन हमारा एल एच एस भी टी था, हमारा आर एच एस भी टी आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं बताइए? हम कह सकते हैं हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई है, जो मैंने अभी अभी निकाली है, उसमें भी हमारा जो एल एच एस है
वो किसके इक्वल आ गया है, आरएचएस के। आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने ही निकाला है। आप अगर ये देख के घबरा जाओगे कि इक्वेशन में आपको टी दिया हुआ, रूट में दिया हुआ है, रूट में तो हमें आता ही नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। रूट से नहीं घबराना है, रूट आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, रूट सिंपली आपका यही बताता है कि उसकी जो वैल्यू है वो हाफ है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान था हमारे लिए ये सब निकालना, कैसे आप कोई भी इक्वेशन को इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे LHS is equal to RHS, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारी जो भी इक्वेशन होगी वो आपकी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इजी है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब आपको एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि वो क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभी अभी मैंने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन क्या था मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। क्वेश्चन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने जब देखा और हमने इसको चेक किया तो हमने देखा ये हमारा डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। लेकिन जब बाद में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है बुक में, क्वेश्चन है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल करेक्टनेस करेक्ट द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, और इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 280 स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इन दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस क्या है, इसमें हाफ लगाया हुआ है और यहाँ पे टू लगाया हुआ है। तो जब इनके डायमेंशन चेक किए गए, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ क्योंकि बुक में ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से दिया हुआ है और पूछा गया है कि चेक करके बताओ क्या ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। तो जरा चेक करना, यहाँ पे जब आप लेंथ का, यहाँ पे डिस्टेंस का करोगे लेंथ आएगा, स्पीड का जब आप करोगे तो एल टी माइनस वन आएगा, टाइम का करोगे तो टी आएगा, प्लस टू का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ए का करोगे तो क्या आएगा, एल टी माइनस टू, और टाइम का करोगे तो क्या आएगा, टी की पावर टू। तो यहाँ पे आपका एल एच एस में आपकी लेंथ आ गई, आर एच एस में करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या बचेगा सिर्फ एल। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी आपका माइनस और यहाँ प्लस दोनों कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, एल। तो आप देखते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन ये आपकी एक्चुअल में फिजिकली करेक्ट नहीं है। फिजिकली का मतलब एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये नहीं होता। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई इक्वेशन जो आपको दी जाती है वो आपकी डायमेंशनली तो करेक्ट निकल जाती है बट फिजिकली वो इनकरेक्ट होती है। तो अब हमें तो ये चेक करने के लिए दिया गया था ना क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप लिखेंगे यस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट दिस इज फिजिकली इनकरेक्ट। ओके, ये समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। ये क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है और मुझे पता है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का काम होगा। तो आप इसको भी अच्छे से एक बार करके देख लेना। जो भी मैंने आज आपको इक्वेशंस कराई हैं, इन इक्वेशंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, नोट्स बनाओगे, अच्छे बच्चों की तरह ना प्रिपरेशन करोगे, और हाँ प्लीज इनकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, आप खुद देख सकते हो, सब प्रैक्टिस का काम है। रूट से मत डर जाना, रूट की वैल्यू हाफ होती है, उसको कट करोगे तो मैथमेटिक्स करनी है थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, ज्यादा नहीं करनी है, है ना। तो कर लोगे ना, अच्छे बच्चे हो ना, तो फिर फटाफट से अपने नोट्स बना लीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। कोशिश तो मेरी आज भी थी मैं आपसे बहुत अच्छे से समझाऊं हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को। तो आपका काम क्या रहेगा, आपका होमवर्क है, जो भी मैंने इक्वेशन कराई है उसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और मुझे कमेंट करके बताना है मैम हमने नोटबुक कंप्लीट कर ली है। तो चलिए फिर अब आपसे विदा चाहूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और ध्यान रखिए अपना।